हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुमार क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास एट लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का जो यूनिट 9 है उसका एक्सरसाइज 9.2 को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब की वीडियो बना चुके हैं। तो आपको अगर किसी भी चैप्टर की वीडियो वॉच करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से वॉच कर सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज आपको मिलेगी। और अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ में स्कूल में स्टडी करते हैं आपके दोस्त, तो उन्हें भी प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। देखो, ए स्कूल यूज 50 रिम्स ऑफ ए 4 वाइट शीट इन ए मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के मंथ में 50 रिम जो है वाइट शीट की यूज करते हैं, और जुलाई जो मंथ होता है उसमें 30 रिम्स का यूज करते हैं टू सेव इन्वायरमेंट। वॉट इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेपर, मतलब जुलाई के मंथ में जो पेपर यूज किए थे तो उसमें कितना रिडक्शन हो गया, मतलब पहले 50 रिम्स थी, अब 30 रिम्स हो गई, तो रिडक्शन परसेंटेज निकालना है। तो अप्रैल के मंथ में जो है 50 रिम्स यूज की गई थी और जुलाई के मंथ में 30 रिम्स यूज की गई थी, मतलब कि अगर हम रिम्स के बारे में देखें तो 20 रिम्स जुलाई के मंथ में कम यूज की गई थी। ठीक है, तो 20 रिम्स को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो रिडक्शन परसेंटेज इक्वल टू 20 अपॉन टोटल स्टार्टिंग की जो रिम्स थी 50 थी, तो नीचे 50 आएगा और इन टू में 100, 50 से 100 कट जाएगा टू टाइम्स, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ जाएगा, मतलब कि जो रिडक्शन हुआ था जुलाई के मंथ में तो वो 40% था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेमन्स वर बॉट एट द रेट ऑफ 40 पर डजन। ठीक है, जो लेमन्स बॉट किए गए थे वो 40 पर डजन के हिसाब से खरीदे गए थे एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर 10, मतलब 10 लेमन्स को 40 रुपीज़ में सेल किया गया था। ठीक है, तो हमें गेन और लॉस परसेंटेज यहाँ पर फाइंड करना है। तो पर डजन लेमन, मतलब कि 1 डजन जो लेमन है उनका सीपी आपका 48। ठीक है, 1 डजन में 12 लेमन्स होते हैं, सो 48 में 12 से डिवाइड दे देंगे तो सीपी ऑफ 1 लेमन आ जाएगा 4 रुपीज़, मतलब एक लेमन 4 रुपीज़ में ख़रीदा गया था। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 10 जो लेमन है 40 रुपीज़ में सेल होते हैं, तो 1 लेमन आपका 4 रुपीज़ में सेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन आ जाएगी 4 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन भी 4 रुपीज़ थी, सेलिंग प्राइस भी 4 रुपीज़ थी 1 लेमन की, तो कहने का मतलब जितने में ख़रीदा था उतने में बेच दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना तो कोई लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो नीचे मैंने लिखा है देयर फोर एस पी ऑफ 1 लेमन इक्वल टू सी पी ऑफ 1 लेमन, सो देयर आर नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब इस क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है निशा बॉट 10 केजी ऑफ शुगर। निशा 10 केजी शुगर बॉट करती है 40 रुपीज़ में, मतलब 40 पर केजी के हिसाब से, और 15 केजी शुगर जो है वो 35 के हिसाब से बॉट करती है, मतलब ख़रीदती है। ठीक है, फिर उन दोनों को मिक्स करके, ठीक है, वो 37 पर केजी के हिसाब से बेच देती है, मतलब सेल कर देती है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है गेन या लॉस परसेंटेज, मतलब अगर गेन होगा तो गेन परसेंट और लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज। देखो, निशा बॉट कर रही है 10 के जी शुगर 40 के हिसाब से, तो 40 × 10 कर लेंगे। ठीक है ना, और 15 के जी को कर रही है वो 35 के हिसाब से। ठीक है, तो 15 × 35 कर लेंगे और 10 × 14 कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 400 की शुगर, ये हो गई 500 की शुगर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 925 की जो शुगर है वो उसने खरीदी थी, और 15 के जी हो गई 10 और 15, मतलब 25 केजी हो गई। 25 केजी जो शुगर है 925 में उसने परचेज़ की। ठीक है, तो 1 केजी का हम निकाल लेंगे कि 25 केजी अगर 925 में आती है तो 1 केजी कितने में आएगी, तो सी पी ऑफ 1 केजी शुगर डिवाइड कर दिया 37। ठीक है,
मतलब 1 किलो जो आपका शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस 37 हो गया। अब ध्यान देना कि वो 37 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ही वो सेल कर रही है। इसका मतलब जितने में ख़रीदा था, ठीक है, 1 केजी जितने में ख़रीदा था उतने में बेचेगी, तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, मतलब ना तो कोई लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो लेकिन इसका थोड़ा सॉल्यूशन आगे भी है, पहले इतना नोट कर लो आप, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है वो मैं दिखा देता हूँ। पी ऑफ 1 केजी शुगर भी आपका 37 है, सो यहाँ पर सी पी और एस पी इक्वल हो जाएगा, सो देयर फोर नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर आपका, असीमा सोल्ड 2 कूलर्स, असीमा 2 कूलर बेचती है 39 मतलब 3,990 रुपीज़ का एक कूलर के हिसाब से वो बेचती है पर कूलर। ऑन सेलिंग द कूलर मतलब एक कूलर को सेल करने पर उसको गेन होता है 5% का, और दूसरे कूलर को सेल करने पर उसे लॉस होता है 5% का, ठीक है। तो हमें ओवरऑल लॉस और गेन जो परसेंटेज है होल ट्रांजिशन में वो फाइंड करनी है। तो देखो एस पी ऑफ ईच कूलर मतलब हर कूलर की एस पी है 3,990, और सी पी निकालेंगे हम, ईच कूलर का सी पी क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले कूलर को तो वो बेच रही है तो उसे फ़ायदा हो रहा है कितना, 5% का, तो ठीक है फॉर्मूला लगाएंगे सी पी का। सी पी इक्वल टू होता है 100 अपॉन 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट में प्लस होगा लॉस में माइनस होगा यहाँ पे, तो 100 प्लस 5% प्रॉफिट यानी कि 105 आ जाएगा नीचे, और इनटू एसपी, एसपी आपका 3,990 है, ठीक है। 100 अपॉन 105 आ गया, इधर 3,990 आ गया। अब इनको कट करेंगे, इन दोनों को 25 से कट कर देंगे, 25 से 100 कट हो जाएगा 20 टाइम्स, अच्छा 25 से नहीं किया यहाँ पे, 5 से किया है, ठीक है। 5 से कट करेंगे ये 20 टाइम हो जाएगा और ये 21 टाइम हो जाएगा। फिर 21 का अगर हम डिवाइड देंगे 3,990 में तो 190 बढ़ जाएगा, 190 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 190 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,800, मतलब कि जो पहला कूलर था वो उसने 3,800 मतलब 3,800 में परचेज किया था, और अब देखते हैं सेकंड वाला जो कूलर है वो कितने में परचेज किया था, तो उसकी सीपी निकालते हैं। तो सीपी ऑफ अनदर कूलर, ठीक है, उसमें 5% का लॉस है इस वाले में, तो 5% का लॉस है तो नीचे -5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 95 आ जाएगा नीचे। कट करेंगे इनको, ठीक है, 5 से 95 19 टाइम हो जाएगा, 5 से 100 हो जाएगा 20 टाइम, 19 का जो डिवाइड है वो हम इसमें दे देंगे 3,990 में, 210 बार जाएगा, फिर 210 को और 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 210 को और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,200, मतलब सेकंड जो कूलर है उसका सीपी 4,200 आ गया, ठीक है। अब देखो दोनों कूलर का सीपी ऐड कर लेंगे, पहले कूलर का आप 3,800 और दूसरे कूलर का ये, तो टोटल सीपी आपका हो जाएगा 8,000, मतलब कि उसने 8,000 में दोनों कूलर खरीदे थे, ठीक है। और बेच किसके मतलब सेल किया था उसने 3,990, ठीक है, पर के हिसाब से मतलब ईच के हिसाब से। तो दोनों कूलर का कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 7,980, ठीक है, जबकि ख़रीदा था किस में 8,000 में, यानी कि अभी भी उसे 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है बेचने में, ठीक है। तो 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है लेकिन हमें लॉस को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो ओवरऑल लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का, परसेंटेज में चेंज कर दो 20 को, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ऊपर 20 रखेंगे, नीचे रखेंगे सी पी, सी पी आपका 8,820 से 20 कट जाएगी, ठीक है। 20 1 जा 20 और 24 जा 80, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 को यानी कि 1 में 4 से डिवाइड देंगे तो आपका 0.25% आ जाएगा, मतलब कि 0.25% का जो है उसे लॉस हुआ था ओवरऑल, ओके। तो ये क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लो इसको, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पूरे पेज में आए थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय सेलिंग ए शर्ट, एक शर्ट को इतने रुपए में सेल कर रहे हैं तो शॉपकीपर को 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो आपको लॉस और गेन परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। अगर उस शर्ट को 94.50 में बेचा जाए तो कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। 85.50 में अगर हम उसको सेल करते हैं, ठीक है, तो 5% का लॉस होता है, तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी का फॉर्मूला लगा दिया, 100/100 माइनस लॉस कितना 5%, तो 95 आ जाएगा नीचे, ऊपर 100, ठीक है। 5 से कट कर देंगे 95 और 100 को, तो 20/9 आ जाएगा 19। 19 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें, तो 4.50 टाइम्स 4.50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब कि जो उसने उस आर्टिकल को 90 रुपीज़ में ख़रीदा था, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि अगर उसको सेल करें 94.50 में तो कितना लॉस होगा, कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट प्राइस 90 है, 90 रुपये में ख़रीदा था और 94.50 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा ही होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो मैंने लिखा है देन इफ़ ही सेल इन 94.50 देन ही वुड बी गेन, मतलब इसको गेन होगा 4.50 रुपीज़ का, मतलब 4.5 रुपीज़ का इसको गेन होगा, ठीक है। बट इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सीपी, ठीक है। जब भी लॉस परसेंट और लॉस वो लॉस परसेंटेज और गेन परसेंट निकालना हो तो हमेशा नीचे जो है सीपी आता है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 45 2 जा 90, ठीक है, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 50 टाइम 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 0.1 से, तो आ जाएगा आपका 5%, यानी कि उसको 5% का गेन होता अगर वो उस आर्टिकल को या फिर पता नहीं क्या चीज़ है, शर्ट है शायद, उसको 94.50 में बेचता तो उसे 5% का फायदा होता। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 5 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। एक साड़ी है, उसको सोल्ड कर रहे हैं हम 10% गेन पे, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड 63 मोर, मतलब किसी साड़ी को 10% गेन पर हम इसको बेच रहे हैं और हमसे कह रहा है कि अगर उसको 63 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते, ठीक है, तो गेन जो है वो 25% होता। अब हमें आर्टिकल यानी कि वो साड़ी है उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो देखो इसका सोल्यूशन, सीपी पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि साड़ी की सीपी 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब एक्स का हम निकाल लेते हैं पहले तो 110%, ठीक है, क्योंकि 10% प्रॉफिट हो रहा था एक्स पे, तो एक्स इंटू 110/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 11x/10, मतलब कि 100 रुपीज़ में खरीदी है, 11x/10 में वो बेच रहा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 63 रुपये ज़्यादा में बेचते, मतलब कि इतने में बेच रहे हैं लेकिन इससे 63 रुपये ज़्यादा में बेचते, यानी कि इसमें +63 कर दो तो नया नया एसपी आ जाएगा, ठीक है, मतलब नया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये नया सेलिंग प्राइस है इक्वल टू में सीपी जो है, मतलब इक्वल टू में प्रॉफिट 25% होगा, ठीक है। यहाँ पर 10% प्रॉफिट हो रहा था तो 110 लिया था, यहाँ पर 25% प्रॉफिट होगा तो 100+25 लेंगे, यानी कि 125 लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/4 आ जाएगा, ठीक है, 25 से कट हो जाएगा, मतलब कि सीपी आपके एक्स है, एक्स इंटू 5 करेंगे तो 5x आ गया, ठीक है। सीपी कितनी है, एक्स है, तो एक्स इंटू ये 5 करेंगे तो 5x आ गया, और नीचे 4 है, ठीक है। तो ये एक तरह से इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये जो वैल्यू है ना, ये इसको उठा के ट्रांसफ़र कर दो, इधर आ जाएगी नेगेटिव में, तो यहाँ पर नेगेटिव में आ गई। अब इनका एलसीएम लेके हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे एक्स की वैल्यू आ गई फाइनली 420, यानी कि 420x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सीपी ऑफ सारी जो है वो 420, यानी कि 420 रुपीज़ आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप पॉज करके राइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। बबीता बॉट 160 kg मैंगोज, बबीता 160 kg मैंगोज को बॉट करती है 48 पर kg के हिसाब से,
और उनमें से 70% को वो ठीक है सेल करती है 70 के हिसाब से, ठीक है 70 रुपये पर केजी के हिसाब से 70% मैंगोज को, और बाकी के जो मैंगोज बचते हैं उनको 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचती है। तो होल ट्रांजिशन में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस और गेन परसेंट आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका आंसर, 160 kg मैंगोज, ठीक है टोटल सीपी कितना आ जाएगा, तो 160 × 48 कर लेंगे, टोटल जो सीपी है 160 मैंगोज की वो आ जाएगी 7680, ठीक है क्योंकि 48 के हिसाब से जो है वो खरीदे थे, 7680 रुपीज़ में खरीदे थे। अब बेचने के हिसाब वाला अलग है, ठीक है 160 मैंगोज में से जो 70% है उनको बेचा गया था 70 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो हम ये निकालते हैं कि 160 का 70% कितना होता है। 160 का 70% होता है आपका 112 kg, मतलब इतने मैंगोज को तो 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा है, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बाकी के जो मैंगोज हैं उनको 40 रुपीज़ के हिसाब से बेचा था, ठीक है तो 160 में से 112 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बच जाएगा 48 kg, ठीक है भाई इतने मैंगोज तो 70 रुपये के हिसाब से बेचे गए थे, बाकी के जो बचे कुचे ठीक है टोटल 160 kg थे उसमें से 112 kg यानी कि 112 माइनस कर देंगे तो बाकी के बचेंगे 48 kg, तो 48 kg को बेचा गया था 40 के हिसाब से, ठीक है और 112 kg को बेचा गया था 70 के हिसाब से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है तो 70 के हिसाब से जो बेचे गए थे उनका कॉस्ट आ गया 7840, और 40 रुपीज़ पर केजी के जो हिसाब से बेचे गए थे उनका कॉस्ट आ गया 1920, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि टोटल हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो जो टोटल एसपी है आपकी वो आ जाएगी 9760। अब देखो ये आपकी सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस है, इतने में ख़रीदा था ठीक है और 9000 में बेच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो भी देखो नीचे। फिर मैंने लिखा है हेयर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर बबीता को क्या हो रहा है गेन हो रहा है, कितने रुपीज़ का गेन हो रहा है, तो मैंने वो सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया 2080 रुपीज़ का गेन हो रहा है, ठीक है लेकिन इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो 2080 रुपीज़ का उसको गेन हो रहा है, लेकिन इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे सी पी लिखेंगे, ये ऊपर लिख दिया सी पी, नीचे ये लिख दिया कॉस्ट प्राइस, ठीक है और N200 कर दिया, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो 27.083% का जो है उसको गेन हो रहा था, ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि SP of 4 बनाना, यानी कि 4 बनाना का जो SP है सेलिंग प्राइस है वो 6 बनाना के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है तो हमें गेन और लॉस फाइंड करना है। तो देखो CP of 1 बनाना, हम मान लेते हैं कि एक बनाना की CP जो है X रुपीज़ है, ठीक है तो 6 बनाना की CP हो जाएगी 6X, ठीक है 4 बनाना की जो CP हो जाएगी 4X, ठीक है और हमें दिया गया है कि SP of 4 बनाना इक्वल टू CP of 6 बनाना, ये हमें दिया गया है, ठीक है और 6 बनाना की CP जो है 6X है, इसका मतलब SP of 4 बनाना इक्वल टू 6X, ठीक है अब 6X में से 4X माइनस कर लेंगे तो आपका आएगा 2X, 2X को नीचे रखेंगे, 2X को रखेंगे ऊपर नीचे रखेंगे 4X इंटू कर देंगे 100, ठीक है तो 2X से आपका 4X कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 को हम डिवाइड दे देंगे 2X, 4X कट के 2 टाइम, 2 से डिवाइड दे देंगे 100 में तो आपका आ जाएगा 50%, ठीक है तो 50% का जो है उसे गेन हुआ था। ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट है, अब देखते हैं क्वेश्चन 9, दक्ष बाय ए प्लॉट ऑफ इतने में, ठीक है 17 लाख में दक्ष एक प्लॉट बाय करता है और उसका 3/8 पार्ट जो है वो 6% लॉस में बेच देता है और बाकी का जो बचा कुचा पार्ट है उस प्लॉट का उसको 8% गेन में बेचता है, ठीक है तो हमें फाइंड करनी है कि व्हाट प्राइस शुड सी सेल, मतलब बचे कुचे जो पार्ट है 3/8
पार्ट के अलावा जो बचा कुचा पार्ट है उसको कितने में सेल करें कि उसे 8% का गेन हो, ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। अब प्लॉट है आपका 17 लाख, ठीक है, और इसका जो 3/8 पार्ट है वो बेच दिया उन्होंने लॉस पे, तो हम निकाल लेते हैं कि इसका 3/8 पार्ट कितना है। तो ये है 3/8 पार्ट, इतना रुपीज़ है, ठीक है। इसको जो है उन्होंने 6% लॉस में जो है सेल किया है, तो इसका 6% लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से 6% जो लॉस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6% लॉस ये रहा आपका, ठीक है, इतना आ गया, इतने के लॉस में इसको बेच दिया, तो ये इस चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी दोनों। तो सेलिंग प्राइस जो है 3/8 पार्ट का सेलिंग प्राइस आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इतने रुपीज़ में 3/8 पार्ट जो है बेच दिया। अब बाकी का बचा कितना, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, 5/8, ठीक है, 1 में से 3/8 को घटाएंगे, 5/8 रिमेनिंग पार्ट है। तो इस 5/8 पार्ट को कितने में बेचे कि टोटल जो प्रॉफिट है उसका 8% फायदा हो, ठीक है। तो 5% को कितने में बेचें, पहली बात तो हम निकाल लेते हैं कि जो 70 लाख का प्लॉट है उसका 8% है होता कितना है, ठीक है। तो 70 लाख का हमने 108% निकाला, ठीक है, तो 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108/100 से 20 से 20 कट जाएगी, बचेगा ये आपका 70,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, 70,000 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है, 75,60,000, मतलब कि इतने फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इतना तो ऑलरेडी हमने बेच चुके हैं, तो ये चीज़ जो है टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये रुपया तो हमें 3/8 पार्ट जो बेचा था उस पर मिल गया, तो यह हम इनमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यानी कि हमें इतने रुपए में जो है रिमेनिंग पार्ट को बेचना पड़ेगा, 50,92,500 में, ठीक है, तब जाके हमें ये फ़ायदा होगा। तो नीचे लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग जो प्लॉट है शुड बी सोल्ड सोल्ड इन 50,92,500 में, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर भी सकते हो, या फिर आप ऐसे ही नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ऑन सेलिंग ए चेयर, एक चेयर को इतने रुपए में बेच रहे हैं 736 में, तो शॉप कीपर को 8% का लॉस हो रहा है। अब हमें पूछा गया है कि उस चेयर को कितने रुपए में बेचे कि 8% का लॉस ना हो, 8% का गेन हो, ठीक है। तो ध्यान देना, SP है 736 और 8% का लॉस हो रहा है, तो CP फाइंड कर लेंगे हम। CP का फॉर्मूला 100/100 माइनस लॉस होता है, 8% लॉस हो रहा है तो नीचे आ जाएगा 92, ठीक है। 92 का डिवाइड दे देंगे हम 736 में, 8 टाइम जाएगा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, मतलब कि जो वो चेयर थी वो 800 रुपीज़ में उसको खरीदा गया था, मतलब बाय किया गया था, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट हो, तो 8% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना, तो हम निकाल लेंगे इसका SP, तो SP इक्वल टू CP इंटू, ठीक है, 100+ प्रॉफिट, मतलब 100+8 मतलब 108 आ जाएगा, ऊपर 20 से 20 कट जाएगी, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो आपका आ जाएगा 864, मतलब कि वो इस चेयर को 864 में बेचेगा, तब जाके उन्हें 8% का जो है प्रॉफिट होगा। रजत जो है एक चेयर को खरीदता है 3,400 में, और बाकी के 200 जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर देता है, और 400 जो है रिपेयरिंग में खर्च कर देता है, ठीक है, फिर उसको बेच देता है 4,800 में, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल लॉस और गेन जो है वो आपको बताना है। तो अब चेयर है आपका, टोटल CP ऑफ मतलब टोटल CP कितना हो जाएगा, इतने में खरीदी थी, इतना जो किराया भाड़ा लग गया तो, और इतना रिपेयरिंग में खर्च हो गया, सबको जोड़ लेंगे, तो CP जो है चेयर की 4,000 है, मतलब कि 4,000 में वो खरीद के लाया था। अब 4,800 में वो बेच रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि 800 का हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। इस फायदे को परसेंटेज में चेंज कर दो, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट हो जाएगी, 20 से 20 कट हो जाएगी, 80 में 4 से डिवाइड देंगे तो 20% प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक सूफी कीपर जो है टेलीविज़न को परचेज करता है 4400 में, और उस पर कुछ मनी वो खर्च करता है उसके रिपेयरिंग वगैरह में। अब वो मनी कितनी वो नहीं दी, क्योंकि वही हमें फाइंड करनी है, और फिर उसको बेच देता है 6000 में। ठीक है, अब हम इससे कह रहा है कि इसका ओवरऑल जो गेन है वो 25% है, तो आपको कितना खर्चा किया गया था, मतलब वो खर्चा निकालना है कि टीवी खरीदने के बाद उस पर कितना खर्चा किया गया था। तो देखो SP 6000 है, क्योंकि 6000 में उसको बेचा गया था। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट है आपका 25%। तो हम देख लेते हैं कि CP क्या थी, तो CP निकालेंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट, तो 125 आ जाएगा इंटू में SP। ठीक है, 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 5 से डिवाइड दे देंगे 6000 में, 1200 टाइम्स, 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CP आ जाएगा 4800, मतलब कि कॉस्ट प्राइस उस TV की इतनी थी और 6000 में बेचा था। ठीक है, अब एक्सपेंस किया गया था, तो देखो सिंपल सी बात है, कितने रुपए में बेच रहा है, ठीक है, और ख़रीद कितने में लाया था वो, तो खर्चा जो है उस पर एक्सपेंस कर दिया उसने 400। ठीक है, 400 जो है एक्सपेंस कर दिया। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 12 आपका, 12 का आंसर है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन 12 हो गया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है वो 13 का आंसर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 13 पढ़ लेते हैं। तो एक लेडी है जो कि एयर कंडीशनर को ख़रीदती है 15200 में। ठीक है, और उस पर एक्स्ट्रा खर्चा 300 रुपये और 500 रुपये, ये मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर देती है, और फिर उसको वो चाहती है कि उसको कितने में बेचे कि 15% का गेन हो। ठीक है, तो देखो टोटल CP जो है एयर कंडीशनर की वो आ जाएगी 15200 में, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है ये ऐड कर लेंगे, तो टोटल CP जो है वो आ जाएगी 16000 रुपीज़। ठीक है, मतलब उसने इतने रुपए में ख़रीदा था, ठीक है ना, AC। अब वो चाहती है कि 15% प्रॉफिट हो, तो कितने में बेचे, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला SP इक्वल टू 100 प्लस, ठीक है ना, प्रॉफिट, यानी कि 15% प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 15 और अपॉन में 100 इंटू में CP। ठीक है ना, 20 से 20 कट हो जाएगा, 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से, तो आ जाएगा 20400। मतलब अगर उसको 15% प्रॉफिट चाहिए तो वो जो एयर कंडीशनर है वो उसको 20400 में सेल करेगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये आपका 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी क्लास में इसकी वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।